हेलो दोस्तों, आरुष लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों के घुटने और कोहनी को हम कैसे गोरा कर सकते हैं और कौन से हम घरेलू उपाय करें जिससे हम बच्चे की का जो रंग है हम उसको मेंटेन रख पाएँ। बच्चा जब छोटा होता है बहुत ज़्यादा उसकी स्किन सॉफ्ट होती है और वह गोरा गोरा सा भी होता है, पर अगर जब बच्चा चलना शुरू कर देता है घुटनों के बल, तो घुटनों के बल चलता है तो ज़मीन पे गंदा भी होता है, साफ भी होता है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे के जो घुटने होते हैं वह काले होने शुरू हो जाते हैं। और कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जैसे वो पेट के बल चलना शुरू करता है तो क्या होता है, कोहनी जब ज़मीन से टकराती हैं तो वह भी काली हो जाती हैं। अगर हम तभी से अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम अपने बच्चे की स्किन को गोरा रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि हम अपने बच्चे के जो कोहनी और घुटने का जो कलर है हम उसे काला होने से कैसे बचाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेकिंग सोडा, हम बेकिंग सोडा लेंगे, थोड़ा सा उसमें मिल्क मिलाएंगे, दूध, फिर हम उसका पेस्ट बनाएंगे। उस पेस्ट से हम क्या करेंगे, बच्चे के घुटने और कोहनी पर मसाज करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। हल्के हल्के हाथों से हमें मसाज करनी है, फिर हम उसे वॉश कर दें। और जो ये तरीका है हम हफ्ते में अगर 3 बार करेंगे तो बच्चे की स्किन साफ रहेगी, गोरी रहेगी। नारियल का तेल, नारियल का तेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए, तो हम नारियल के तेल में अखरोट का पाउडर मिलाएंगे और उसका पेस्ट बनाएंगे। और हम बच्चे का जो डार्क जो एरिया है कोहनी और घुटने का हम उस पर अप्लाई करेंगे और हल्के हल्के हाथ से हम मालिश करेंगे। थोड़ी देर बाद हम उसको पानी से धो देंगे। यह भी हमें हफ्ते में 3 से 4 बार ट्राई करना है। बादाम का तेल, बादाम के तेल को हम डार्क एरिया है हमारा उस पर हम अप्लाई करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम उस पर मसाज करेंगे क्योंकि जो बादाम का तेल होता है उसमें विटामिन ई ज़्यादा होता है जो घुटनों और कोहनी की स्किन को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए हेल्प करता है, तो हमें बादाम का तेल भी यूज़ करना चाहिए। एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल भी हमें लगाना चाहिए। वैसे तो मार्केट में एलोवेरा जेल के जो वो हैं प्रोडक्ट वो अवेलेबल है इजीली, पर अगर हमारे घर एलोवेरा का प्लांट है तो हम उसकी पत्ती को लेंगे और साइड के जो कटीले जो किनारी होती हैं उसको काट देंगे और बीच में से हम जेल निकाल कर अलग कर लेंगे। उस जेल को फिर हम डार्क एरिया पर रगड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए हम उसे लगा रहने देंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम उसे गुनगुने पानी से वॉश कर लेंगे तो जो हमारे बच्चे की जो स्किन काली है वह फिर से साफ़ होना शुरू हो जाएगी। आलू, हम कच्चे आलू को छील कर कट कर लेंगे और जो डार्क एरिया है अगर हम उस पर रब करेंगे, रगड़ेंगे हल्के हल्के हाथों से, फिर उसे हम वॉश कर देंगे, उससे भी स्किन पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। बेसन, पहले जो लोग होते थे वह बच्चों के लिए नहाने का साबुन का यूज़ नहीं करते थे, पहले इतने नहाने के साबुन आते भी नहीं थे। लोग बच्चों को मूंग की दाल या बेसन से नहलाते थे तो बच्चे साफ़ सुथरे और गोरे होते थे, पर आजकल बच्चों के कई कई साबुन भी आ गए जो वैसे बच्चों की स्किन के लिए हार्म नहीं होते, पर अगर बच्चों की कोहनी और घुटने काले हो जाते हैं तो हमें वहाँ पर बेसन का पेस्ट बनाकर अप्लाई करना चाहिए और हल्के हल्के हाथ से हमें उस पर मसाज करनी चाहिए। फिर 10 मिनट बाद हम उसे वॉश कर लें तो बच्चे के जो कोहनी और घुटनों के जो काला कलर होता है वह गोरा होना शुरू हो जाता है। ये जो सारी जो मैंने जो घरेलू उपाय बताए ये हम बच्चों के साथ साथ हम बड़े लोगों पर भी अप्लाई करेंगे, तब भी वही इफेक्ट आएगा जो बच्चों पर आएगा, क्योंकि ये घरेलू उपाय हैं, ये बच्चे बड़े सभी के लिए हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिए, आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए ताकि जब हमारा नेक्स्ट टाइम वीडियो लाएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।